Hello everyone, this class is presented to you by DIDMI IAS. So till now we have studied the concept of independence of judiciary, we have studied appointment of judges, we have studied removal of judges, also we have covered the jurisdiction of the Supreme Court. Now our next topic is judicial activism. So judicial activism ka matlab hai judiciary ka actively hoke kaam karna. Ab hua ye ki ओरिजिनली क्या था कि जो एग्रीव्ड पर्सन होता था, जो विक्टिम पार्टी होती थी, ओनली दैट पार्टी यूज्ड टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. बट इन अराउंड 1970s और 80s दिस कॉन्सेप्ट इट अंडरवेंट अ चेंज. कुछ ऐसे लोग जो खुद एग्रीव्ड नहीं थे, जो खुद विक्टिम नहीं थे, दे स्टिल अप्रोच्ड द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स. सो दिस वॉज टर्म्ड एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. दैट मीन्स पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कोई ऐसा केस है जिसमें पूरी पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उस केस में कोई भी anybody कैन गो एंड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. सो एग्रीव्ड पार्टी के अलावा भी बाकी जो पब्लिक थी, जो इन्वॉल्व होती थी या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट में, वो कोर्ट के पास जाती थी. एंड दैट केम टू बी टर्म्ड एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ भी लिटिगेशन, दैट इज PIL. इसको हम सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं. तो जब ये PIL के केसेस ज़्यादा आने लगे, जैसे कि PIL के केसेस में जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस, अब अगर कोई भी पोल्यूशन से रिलेटेड केस है, देन ऑब्वियसली एनीबडी कैन अप्रोच द कोर्ट बिकॉज दिस इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. या फिर प्रिजनर से रिलेटेड अगर कोई केस है, द हेल्थ ऑफ प्रिजनर्स इन द प्रिजन्स, उससे रिलेटेड कोई केस है, दैट इज़ ऑल्सो इन पब्लिक इंटरेस्ट. या फिर कोई ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो खुद से अप्रोच नहीं कर सकता कोर्ट्स को, तो उनके बिहाफ पे कोई भी पब्लिक, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ग्रुप कोर्ट को अप्रोच करने जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पब्लिक के इंटरेस्ट में, सो दिस इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. सो अराउंड 1970s 1980s ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे, एंड कोर्ट ऑल्सो फेल्ट दैट येस दीज काइंड ऑफ केसेस आर रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो केसेस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, दे आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. तो इस वजह से जुडिशरी जो है बहुत एक्टिव हो गई, एंड दैट इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म. एज दिस केस इन्वॉल्व्ड अ कंसिडरेशन ऑफ एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, एंड सच केसेस केम टू बी नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस. अराउंड द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टुक अप द केस ऑफ राइट्स ऑफ प्रिजनर्स. तो ऐसे जो केसेज हैं, तो ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ साथ जुडिशरी इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई दैट कोर्ट्स ने खुद से ही सुओ मोटो का मतलब होता है खुद से ही, तो कोर्ट्स ने क्या करना शुरू कर दिया, जुडिशरी इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई कि जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के बेसिस पे या फिर पोस्टल कंप्लेंट्स के बेसिस पे ही कोर्ट्स ने केसेस कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म, द एक्टिव जुडिशरी. एग्रीव्ड पार्टी के बिना भी जो पार्टीज हैं वो कोर्ट्स को अप्रोच कर रही थी, एंड कोर्ट वाज आल्सो सपोर्टिंग देम, कोर्ट वाज हेयरिंग दोज केसेस, या फिर कोर्ट ने खुद से ही केसेस लेने शुरू कर दिए बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड पोस्टल कंप्लेंट्स. सो दिस इज़ एक्टिविज्म, एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द जुडिशरी, दिस इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म. Therefore, the term judicial activism became the more popular description of the role of the judiciary. Through PIL and judicial activism of the post-1980 period, the judiciary has also shown readiness to take into consideration the rights of those section who cannot easily approach the courts. ऐसे cases को भी consider करना शुरू कर दिया. Judicial activism has had manifold impact on the political system. It has democratized the judicial system by giving not just to individuals but also groups access to the courts. It has forced executive accountability. It has also made an attempt to make the electoral system much more free and fair.
तो जो जुडिशल एक्टिविज्म था, जब जुडिशरी एक्टिव हो गई तो उसके बहुत ज़्यादा इट हैड मैनी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। कोई भी अगर जो भी MPs या MLAs थे उनके सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एफिडेविट्स मांगने शुरू कर दिए, दैट इनका कोई उनका बैकग्राउंड चेक हो गया, ऑल दिस दिस मेड द इलेक्टोरल सिस्टम मोर फ्री एंड फेयर। द कोर्ट आस्क्ड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू फाइल एफिडेविट्स इंडिकेटिंग देयर एसेट्स एंड इनकम अलॉन्ग विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस सो दैट द पीपल कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बेस्ड ऑन एक्यूरेट नॉलेज। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग, इतनी ज़्यादा एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी भी और ज़्यादा बढ़ गई, इतनी एक्टिव हो गई थी जुडिशरी, एंड दैट इज़ वाई दिस टर्म केम इन टू यूज़ जुडिशियल एक्टिविज्म, एंड दिस वे इट ऑल्सो गॉट कनेक्टेड विद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बट इतने ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट के अलावा भी ये जो जुडिशियल एक्टिविज़म है इट हैड मैनी नेगेटिव इम्पैक्ट्स एज वेल। फर्स्ट इज़ द बर्डन ऑन द कोर्ट्स। पहले ही वी ऑल नो दैट आर कोर्ट्स दे आर ओवर बर्डन विद लार्ज नंबर ऑफ केसेस। अब क्योंकि PILs आने लग गई, एनी पर्सन वो कोई भी केस जाके कर देते थे अंडर दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो हमारी जो जुडिशरी थी वो और ज़्यादा ओवरबर्डन हो गई, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए। सेकेंडली, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन वन हैंड एंड द जुडिशरी ऑन दी अदर। सो हमें ये पता है दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ मेंशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमें ये पता है दैट जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी, देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन देम, दे के नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शंस ऑफ ईच अदर। बट जुडिशरी इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई दैट जो काम एग्जीक्यूटिव के थे, जैसे हमने प्रीवियसली देखा जो एफिडेविट्स वगैरह, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दिस इज़ द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये जो काम है ये भी जुडिशरी ने सॉल्व करने शुरू कर दिए थ्रू डिफरेंट केसेस, थ्रू PILs। तो ये बोला जाता है कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो जुडिशियल एक्टिविज्म से इट गॉट ब्लर्ड, वो पूरा जो डिस्टिंक्शन है इट वॉज क्रॉस्ड बाय द जुडिशरी थ्रू इट्स जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म मे बी क्रिएटिंग स्ट्रेन्स ऑन दिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, क्योंकि जो पावर्स या फिर जो फंक्शन, जैसे कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये भी डील किसने करना है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ने, बट थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशरी स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस। सो दिस इज सम ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। नेक्स्ट इज़ द जुडिशरी एंड राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में हमने ये देखा था दैट द सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशरी इट इज़ द गारंटर ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स। हमारी जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है, सुप्रीम कोर्ट को। एंड उसके बाद हमने ये भी देखा दैट हमारी ये राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट के पास क्या है, रिट ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट्स दे इशू वेरियस काइंड ऑफ रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शरेराय, कुओ वरंटो, ये सब हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में। तो कोर्ट्स जो है वो हमारी राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, बाय इशूइंग दीज वेरियस रिट्स, उनके पास रिट ज्यूरिसडिक्शन है। तो ये तो पहला तरीका हुआ। सेकेंड इज द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न्ड लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल। तो एक तो तरीका हो गया रिट्स इशू करने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाता है विच इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, देन इन सच केस दैट लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट और बाय द जुडिशरी अंडर आर्टिकल 13, एंड दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दैट मीन्स जो भी लॉज बनाए जाते हैं उसको हमारी जुडिशरी रिव्यू करती है, जुडिशरी देखती है दैट कहीं ये लॉज दे आर अगेंस्ट द
कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, आर दीज लॉज इनअप्रोप्रिएट और नॉट व्हेन कंपेयर्ड टू द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज अ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू के अंडर अगर कोर्ट्स को ये लगता है दैट जो भी लॉज बनाए गए हैं दैट आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दोज लॉज दे आर वायोलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, देन थ्रू दिस जुडिशियल रिव्यू दोज लॉज दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नो वेयर मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. However, the fact that India has a written constitution and the Supreme Court can strike down a law that goes against fundamental rights implicitly gives the Supreme Court the power of judicial review. तो हमारे constitution में directly कहीं पर नहीं लिखा हुआ judicial review. ये implicitly है. There are two terms, implicitly and explicitly. अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन्ड होता जुडिशियल रिव्यू तो उसका मतलब ये होता कि एक्सप्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है. जैसे कि रिट ज्यूरिसडिक्शन, वो एक्सप्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है. बट जुडिशियल रिव्यू हमने डिराइव करी है क्योंकि हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट करने हमारे राइट्स. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दोज राइट्स ऑब्वियसली ही कैन डिक्लेयर सम लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो इम्प्लिसिटली वहाँ से डिराइव हो गई this power of judicial review. So this is judicial review. Next is judiciary and parliament. अब जुडिशरी एंड पार्लियामेंट ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इनफैक्ट स्टार्टिंग में ये होता था दैट देयर वॉज अ लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट. जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी से, दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स. नाउ पहले पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा लॉ बनाया जिसमें उन्होंने ये बोला दैट येस फंडामेंट, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी उसको चेंज करने की कोशिश करी, राइट. बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट येस ऑल दो राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट बट स्टिल इट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट. बट दूसरे केस में कोर्ट ने ये बोला दैट नो द पार्लियामेंट इट कैनॉट डू दिस, द पार्लियामेंट इट कैनॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. बट फिर से पार्लियामेंट ने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स लेके आए कि उन्होंने ये बोला दैट ओके इफ़ वी डू दिस वर्क दिस इज़ नॉट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैनॉट गिव जजमेंट ऑन दिस फॉर एग्जाम्पल. तो ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए. पार्लियामेंट ने ऐसे अमेंडमेंट्स लाने शुरू कर दिए जिसमें उन्होंने ये बोला दैट जुडिशरी तो इसके ऊपर जजमेंट दे ही नहीं सकती. सो जुडिशरी देन केम अप विद प्रोविजन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो देयर इज दिस वेरी फेमस केस, केशवानंद भारती केस. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्ट्रोवर्सी था, ये ख़त्म किया और इस केस में उन्होंने ये बोला कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कोई भी अमेंड नहीं कर सकता, नॉट इवन द पार्लियामेंट. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो बडी नॉट इवन द पार्लियामेंट कैन वायोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब है क्या बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट कोर्ट खुद डिसाइड करेगा व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जुडिशरी एंड पार्लियामेंट की बेसिकली स्टार्टिंग में देयर वॉज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी. पार्लियामेंट कुछ करता था, जुडिशरी कुछ और बोलती थी, देन देयर वॉज दिस कॉन्ट्रोवर्सी. तो इस केस में फाइनली ये बोला गया था दैट ये जैसे कि फंडामेंटल राइट्स या फिर जो भी और देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये सारे दे आर अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर सकती. सो इसके थ्रू थोड़ी ये जो कॉन्ट्रोवर्सी थी इट वॉज कंट्रोल्ड थ्रू दिस केस. Now this was all about this chapter. Now we will be discussing some sample MCQs. So first is, what does the judicial review function of the Supreme Court mean? First is, review its own judgment, review the functioning of judiciary in the country, examine the constitutional validity of the laws,
and undertake periodic review of the constitution. So we have covered judicial review, and solution is C. So judicial review means to examine the constitutional validity of the laws, whether the laws they are valid constitutionally or not, whether the laws they are according to the essence of the constitution or not. Next is the power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states fall under its advisory jurisdiction, original jurisdiction, constitutional jurisdiction, appellate jurisdiction. So this also we have covered that yes, any case which is related to dispute between the center and the states, it comes under the original jurisdiction of the Supreme Court. So these were some sample MCQs. So this was all about chapter 6, which is on the judiciary. Now this chapter, it was just for the beginners. We have just discussed the basics, and in the upcoming classes we will be discussing these topics in more detail. Also we will be coming up with more and more MCQs. We will discuss a lot of MCQs. So I hope it is clear to you all. Thank you very much.